हेलो सौरभ, आपने एक क्वेश्चन और पूछा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 2y माइनस 3z अपॉन 2x। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एल्जेब्रिक एक आइडेंटिटी जाननी होगी। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू आपको होता है हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको गिवन है। अगर मैं एक्स वाई को इधर उठा लाता हूँ, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, जीरो। और ये आप ऊपर वाले से कंपेयर करें तो यही फॉर्म आपके पास आ रहा है। इट मीन्स ये आपको आएगा हाफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये टू उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप देखिए कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इन सबका सम आपको जीरो मिलना है। और ये जीरो कब हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स कभी आपको नेगेटिव तो नहीं मिलने वाले हैं, अब बीच में प्लस आ रहा है। इट मीन्स इनका सम जीरो होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब एक्स और वाई एक्स माइनस वाई आपका का स्क्वायर, ये पोर्शन आपका जीरो, ये पोर्शन आपका जीरो और ये पोर्शन भी आपको जीरो देता हो। इट मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, जीरो। मीन्स एक्स माइनस वाई जीरो आ रहा है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अगर जीरो मिलता है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू फाइव, सेम एज फॉर सेकेंड टर्म वाई इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इन सब का सम जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ये इंडिविजुअल सब आपस में जीरो हो। ठीक है, अगर ये आपस में सब इक्वल आ गए, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो हम कुछ भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज ये के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। अब ये वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 4k आपको फाइंड आउट करना था, 4x प्लस 2y माइनस 3z अपॉन 2x मीन्स 4k प्लस 2k माइनस 3k और अपॉन 2। तो ये सॉल्व करते हैं तो आता है 4 टू 6 माइनस 3 इज 3k अपॉन 2k, मतलब k से k कैंसिल मीन्स 3 अपॉन 2 आपको आंसर मिलेगा। ये तो हुआ आपको जनरल मैटर। अब अगर आप यहाँ इसको लॉजिकली सोचें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल आ रहा है, तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मुझे वाई को क्या रखना पड़ेगा, एक्स। ओके, इसको वाई स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा, जेड को वाई, और इसको हम जेड स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो एक्स को क्या रखना होगा हमें, जेड। ठीक है, यानी कि एक्स जेड के इक्वल है, जेड वाई के इक्वल है और वाई एक्स के इक्वल है। इट मीन्स तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल हम सपोज वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी, आप कुछ भी यहाँ पुट कर दीजिए आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सपोज आपने एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 4 प्लस 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3, 6 माइनस 3 इज 3 बाय 2 इंटू 1 यानी कि 3 बाय
टू। अगर आप यहाँ मान लीजिए, मान लेते दो है वैल्यू सबकी आपस में इक्वल, तो फोर टू जा एट, टू टू जा फोर, एट प्लस फोर ट्वेल्व, थ्री टू जा सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्स इज सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री, टू टू जा फोर, है ना, तो सिक्स अपॉन फोर फिर से आपको क्या मिल जाएगा, थ्री अपॉन टू। तो आंसर एक सेकंड में आ जाएगा अगर आप लॉजिकली सोच लेते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट क्या है, और यहाँ से आप बिल्कुल डायरेक्ट सोच सकते हैं कि मुझे x जीरो नहीं रखना, x जीरो रखता तो ये जीरो बन जाएगा, सारा गलत हो जाएगा ना, तो आपको ये आपस में इक्वल रखना है, तो यहाँ पर आप लॉजिकली सोच लीजिए। ओके, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। नए वीडियोस को की जानकारी के लिए या उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।